लालटन तो यादव तो लालटन है ये। अच्छा आप यादव है। हाँ महंगा करुआ तेल 200 टका हो गया, जहाँ मिलता था 250 हो गया तेल। न घर न द्वार देता है नीतीश कुमार की को है, खाली ऊपर पैसा भेजता है, नहीं इतने खा जाता है सब। तीर का। लेकिन आप लंटेन रहे या तीर रहे, जो यहाँ का विकास करेगा, जो जनता के बारे में सोचेगा, यहाँ के दुकानदार के बारे में सोचेगा, हो ही रहेगा। हम लोग को यहाँ से तो राजीव सिंह निकलेगा। इसमें किसान को फायदा मिल रहा है ना, महंगा हो रहा है तो किसान को भी फायदा मिल रहा है ना। अच्छा किसान को फायदा हो रहा है इसलिए तीर छाप। हाँ जितना विकास लालू यादव किए हैं उतना विकास हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की है। तारापुर उपचुनाव की तिथि ज्यो ज्यो नजदीक आ रही है, लोग लगातार फैसला कर रहे हैं कि किनको वोट देना है किनको नहीं देना है। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पहुँच रहे हैं, साथ ही साथ कई सांसद जदयू के पहुँचे हैं तारापुर में और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोगों से हम जानेंगे कि वो किसको वोट कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तारापुर में, तारापुर की जनता से जानेंगे, खासकर बनिया समाज के लोग किनको यहाँ के लोग वोट कर रहे हैं और क्या इस बार माहौल लग रहा, क्या झालमुड़ी बेचते हैं। हाँ झालमुड़ी बेचते हैं। माहौल लग रहा है यहाँ तीर है। तीर है? हाँ बनिया समाज तीर को वोट दे रहा है। तब किसको देंगे बताइए, बीजेपी है जिसमें उसी में ना देंगे। अच्छा भाजपा के सपोर्टर है। हाँ क्या लगता आप लोग तो खैर झालमुड़ी बेचते हैं, तेल तो महंगा हो गया। तेल महंगा हो गया तो क्या हो गया, हम लोग भी जोड़ दिए समोसा में, महंगा हो गया है तेल तो हम भी तो महंगे बेच रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ ही महंगा। प्याज का काम करते हैं, प्याज भी महंगा, जितना चीज महंगा है हम भी महंगा बेच रहे हैं, महंगा सामान उठा भी रहे हैं। इस बार हम दे रहे हैं जाकर के चौधरी को। चौधरी को? असरगंज वाले को, अरुण साहब। मतलब लालटन को वोट? हाँ लालटन तो यादव तो लालटन है ये। अच्छा आप यादव हैं? हाँ यादव टोटल लालटन। हाँ एक भी इधर उधर नहीं। वो तो कह रहे हैं जदयू जीतेगी। जदयू का उस कहे बनिया है, वो कहे जदयू जीतेगा कि कौन जीतेगा। हम भी तो कह रहे हैं कि जदयू जीतेगा कि कौन जीतेगा, हम नहीं जानते हैं। हम वोट देना है लालटन में, विकास होगा लालटन जीता दीजिएगा। हाँ जी विकास नहीं होगा, इतना तेल महंगा, इतना ई महंगा, ये तो बनिया है तो कहता है कि हम बेचते हैं तो हम महंगा लेते हैं, महंगा बेचते हैं। हम तो नहीं कि हम तो किसान हैं। सब कुछ महंगा हो गया, सब चीज महंगा हो गया है। तो क्या लगता है कहीं इस बार भी जीता तो हम लोग यहाँ से रवाना भी हो सकते हैं? कहाँ रवाना हो, कहीं चला जाएंगे जंगल जा। मैं तो बिहारी को भी मार दे रहा। मारेगा कैसे, देखेंगे ना बिहारी को मारेगा तो जंगल जाएंगे। क्या नाम हुआ? ब्रह्मदेव यादव। कहाँ के हैं चाचा आप? हम तारापुर के हैं, संग्रामपुर के। संग्रामपुर किसको दे रहा है? हम तो लालटेन में जाएंगे बाबू, फुल सपोर्ट लालटेन। फुल सपोर्ट, एकदम पूरा सपोर्ट। अभी तेजस्वी यादव मेरे वहाँ वो रुका हुआ है संग्रामपुर में, पूरा कपिला देख लीजिए जाके माहौल, रत्ते से रुका हुआ है। तेजस्वी यादव को देख कर वोट कर रहे हैं? पूरा पूरा हमारा ऐसे चलता है, लालटेन में चलेगा, उसमें कोई हिचक नहीं है, जरा सा भी हिचक नहीं है। लालटेन का है, कुछ बात होगा तब ना लालटेन। हमारा हमारा परिस्थिति बहुत है तो हम जानेंगे, अब काहे का मतलब तो नहीं है, हमारा जहाँ मत है वहाँ गिरेगा। होता ना कि महंगाई हो गया तो हम लोग, महंगाई रहे सस्ता रहे जो रहे जो रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं, मत जो है हमारा उसी में जाएगा। क्या नाम हुआ? अनुज यादव। एकदम क्या बता रहे थे चाचा आप, किसको बोल रहे हैं, किसको देंगे? हम लालटेन में देंगे और किसको देंगे। महंगा करुआ तेल 200 टका हो गया, जहाँ मिलता था 250 हो गया तेल, अब क्या लालटेन में देंगे। न घर न द्वार देता है नीतीश कुमार की को है, खाली ऊपर पैसा भेजता है, नहीं इतने इतने खा जाता है सब। एकदम लालटेने को जीत। हाँ लालटेने जिताएंगे, विकास होगा। हाँ एकदम। नीतीश कुमार कहते हैं वो विकास पुरुष है। विकास कौन चीज करा, घोर देखिए जल्दी झोपड़ी है की को है, नेता के को पेट फुला देता है रुपया दे दे के और घोर ने द्वार देता है। झालमुरी खाने ना? झालमुरी तो रोजे खाते हैं झालमुरी। महंगा हो गया कैसे? महंगा कैसे, कमाते हैं खाते हैं, जो कमाते हैं सब खाने में बस। हाँ तब की महंगा, सब चीज दाल सब चीज चना तना सब महंगा कर दिया, करुआ तेल महंगा कर दिया, तब क्या करेगा। तब हमारा नाम है लवीन यादव। तीर का मतलब तीर का
तीर का कह छौ तीर बड़ा अति महंगाई कह देने छौ महंगाई की कहने जितना महंगाई छे उतना फिर बेचे वाला भी बेचे छे महंगा एकदम तीरे को एकदम तीर को देंगे खुले आम तीर को देंगे जो यहां के जनता के बारे में सोचेगा यहां के दुकानदार के बारे में सोचेगा यहां के नागरिक के बारे में सोचेगा उसी को वोट पड़ेगा क्या लगता क्या है इस बार समीकरण आप लोग बुजुर्ग आदमी है जानते हैं समझते हैं परखते हैं किसी भी चीज को क्या लग रहा है आपके तरफ मेरे तरफ से दोनों का कुंजी ठीक चल रहा है लेकिन पल्ला भारी लंटेन का है थोड़ा सा लेकिन आप लंटेन रहे या तीर रहे जो यहाँ का विकास करेगा जो जनता के बारे में सोचेगा यहाँ के दुकानदार के बारे में सोचेगा वो ही रहेगा हम लोग को कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं हम लोग दुकानदार हैं तारापुर के आप जी 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 विकास हुआ तारापुर में अभी तक कोई विकास नहीं आया है ना हुआ अभी नहीं मोहम्मद तनवीर में लिखा सब मोह माया है क्या क्या मोह माया सब मोह माया हम फंसा हुआ है तो चुनाव है इसके लिए तो ना टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं कि सब कोई बात नहीं चुनाव से हमको कोई लेना देना नहीं है मतलब आपको तो किसी चीज से लग रहा है लेना देना नहीं इसलिए सब मोह माया आप लिख लिए छोड़ दिए मोह माया पर वोट तो दीजिएगा ना हाँ वोट तो देना है अधिकार है देना ही है जदयू तीर छाप फुल सपोर्ट है इधर के लोग हाँ इधर का फुल सपोर्ट है और जगह क्या लग रहा है आपका मतलब आप से जाएगा वही निकलेगा यहाँ से तो राजीव सिंह निकलेगा वोट यहाँ का लोकल उम्मीदवार है बगल में घर है लौना में आता जाता है ध्यान देता है और क्या आते रहता है बराबर आता है भैया किनको दे रहे हैं इस बार तीर ही चलेगा तीर एकदम फुल सपोर्ट फुल सपोर्ट फुल समर्थन आप लोग का तेल सब कुछ महंगा हो गया है महंगा हो गया तो क्या आपको दिक्कत रहे है महंगा ऊपर से हो रहा है नीचे थोड़ी हो रहा है इसमें किसान को फायदा मिल रहा है ना महंगा हो रहा है तो किसान को भी फायदा मिल रहा है ना अच्छा किसान को फायदा हो रहा है इसलिए तीर छाप हाँ क्या नाम है पवन कुमार और लोग हैं इनसे बात करेंगे क्या कहेंगे भैया आप युवा हैं अभी थोड़ा बता दीजिए क्या कह रहे हैं हम यही कहेंगे मोदी सरकार सबको बेरोजगार बना के बिठा दिया है क्या बेरोजगार कर दिया है मोदी जी हाँ तब क्या सबको भगा भी रोजगार न हमको भी रोजगार नहीं हम भी तो बेरोजगारे हैं क्या क्या परीक्षा वरीक्षा दे रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं आप अभी अभी कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं दे रहे हैं अभी बाली वाली इधर आया कहाँ है क्या करते क्या आप अभी ऐसे बाहर में पहले रहते थे लॉकडाउन लगा दिया है गाँव में अभी जो नहीं गए अभी मतलब कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं रोजगार कैसे मिलेगा रोजगार ऐसे आते हैं बाहर में नौकरी करते हैं तो बाहर भी तो सरकार कह रही है कि बिहार में रहिए बाहर मत जाइए बाहर भी देखते हैं कश्मीर में मार दे रहा बिहार में यहाँ क्या करेगा यहाँ कोई फैक्ट्री है वोट किसको दीजिएगा वोट हम लोग देंगे लालटेन जब लालटेन में दीछिए मैं आरू किरा लालटेन एक दो कहना लालटेन कहना काम वही छबे के शुरू से की लागे की कर लागे मेरा दुकान है बनिया समाज है नहीं मेरा गेट का दुकान है तारापुर में क्या करते मेरा गेट का दुकान है तारापुर में क्या लग रहा है किसको देना चाहिए वोट आप लोग किसको दे रहे हैं हमको लगता है कि जितना विकास लालू यादव किए हैं उतना विकास हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार किए हैं ये सब बातें हैं ठीक है ना तो मुझे लगता है कि इस बार वही जीतेंगे और मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा इसलिए बस इनका मतलब यहाँ पे थोड़ा जातिवाद नहीं बोलना चाहिए लेकिन अगर विकास की अगर बात करें तो जितना लालू यादव विकास किए उतना कोई भी नहीं किया है तो यही कहना चाहेंगे और इस बार जीतेंगे और महंगाई पर क्या कर रहे हैं सब कुछ महंगाई तो हम लोग का जैसा धंधा चला था वैसा तो बिल्कुल ही बंद हो गया है मतलब पहले जितना हम लोग का मतलब अर्निंग होता था वो बिल्कुल चला गया है तो कहीं ना कहीं जो कमा रहे हैं वो खाने में खत्म हो जा रहा है वो खत्म हो जा रहा है कुछ भी नहीं बच रहा है ठीक ना तो इस बार लग रहा है कि निश्चित तौर से लालटेन मतलब बिहार में जो सरकार बनेगा इस बार लगता है लालटेन ही बनेगा और दो सीट पर है अभी क्या नाम हुआ ना मेरा नाम राहुल कुमार झा तो सुना आपने तारापुर के लोगों को और यहाँ की आम जनताओं को उनका साफ कहना है कि लगभग जो है कह रहे हैं कि हम लोग लालटेन को चुनेंगे और जो बनिया समाज जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं हम लोग इस बार तीर को चुन रहे हैं और इस बार जदयू के ही विधायक तारापुर से भी होंगे बहरहाल किनका पलड़ा भारी होता है और किनके सर पर जीत का ताज होता है यह देखना दिलचस्प होगा अश्विनी कुमार।
तारापुर, बिग न्यूज़।